हेलो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप इंसान हैं? आप कहेंगे हाँ, तो क्या वो लोग भी इंसान हैं? आप फिर कहेंगे हाँ, क्योंकि वो दिखते तो हम जैसे ही हैं, फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम इंसान हैं, हम बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं, इलाज भी करवा सकते हैं। हम इंसान हैं, हम ये नहीं सुन सकते कि किसी ने हमें जानवर बोल दिया। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं। हमारी फैमिली को कोई चोट पहुंचाए तो हम ये नहीं सह सकते, क्योंकि हम इंसान हैं। हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, किसी बेजुबान की जान ले सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। क्या आप अब भी कहेंगे कि वो इंसान है? आप चाहे कुछ भी कहें, पर मैं कहूँगा वो इंसान नहीं है। अगर आप किसी के द्वारा जानवर कहे जाने को गाली समझ सकते हो, उन्हीं जानवरों के साथ ऐसी नीच हरकत करने वालों को आप क्या कहोगे? इंसान तो नहीं कह सकते। एक बेजुबान जानवर को खाने का लालच देके उसे बारूद खिला दिया। जी हाँ, 27 मई को केरला के साइलेंट वैले फॉरेस्ट में हमारे जैसे कुछ इंसानों ने एक गर्भवती हथनी को पटाखों से भरा हुआ अनानास खिला दिया, जब वो पास के ही एक गाँव में खाना ढूंढ रही थी। वो पटाखे उसके मुँह में जाके फट गए, उसका पूरा मुँह जल गया, दांत टूट गए और वो दर्द से छटपटा उठी। लेकिन इतना दर्द होने के बाद भी उस बेजुबान हथनी ने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। अपने दर्द और जलने की तड़प को बिना कुछ खाए पिए कई दिनों तक सहती रही। लेकिन जब उससे वो दर्द सहा नहीं गया तो पास ही की एक नदी में जाके बैठ गई और अपने दर्द को कम करने की नाकामयाब कोशिशें करती रही। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसे बाहर निकालने के लिए दो हाथी नीलकंठ और सुरेंद्रन को भी भेजा, पर वो बाहर नहीं आई। शायद उस नदी का ठंडा पानी उसे कुछ राहत दे रहा था, या उसे यह एहसास हो गया था कि अब उसकी मौत होने वाली है। वो वहीं खड़ी रही जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। ये बात तब सामने आई जब फॉरेस्ट ऑफिसर मोहन कृष्णन ने एक इमोशनल नोट फेसबुक पर शेयर किया। उन्होंने उसमें लिखा है, उसने सब पे भरोसा किया, उसमें बहुत अच्छाई थी, इतने दर्द में भी उसने किसी को चोट नहीं पहुँचाई। जब वो पटाखों से भरा अनानास उसके मुँह में फटा होगा, उस वक्त उसने अपने बारे में ना सोचकर सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचा होगा, जिसे वो 18 से 20 महीनों में जन्म देने वाली थी। उन्होंने ये भी कहा, मैं आशा करता हूँ कि लोग थोड़ा और सेंसिटिव हों, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि ह्यूमंस आर सुपीरियर। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या ये वही देश है जहाँ गजमुख भगवान की पूजा की जाती है, उन्हें गणपति बप्पा बोला जाता है? क्या आप भी वही आक्रोश फील कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ? शायद हाँ, क्योंकि हम इंसान हैं। इस बात को लेकर पूरी दुनिया में काफ़ी आक्रोश है। हम सब मिलकर ऐसे इनसेंसिटिव और इनह्यूमन गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की अपील अपनी कानून व्यवस्था और सरकार से करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको भी ये सोचने पर मजबूर किया है कि क्या वो इंसान है, तो आप अपनी फीलिंग्स हमें कमेंट्स में लिख के बताइए और इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी ये सोच सके कि क्या वो इंसान है। अभी के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।